नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। इसमें भाजपा को 74, जदयू को 43, राजद को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली है। क्योंकि बिहार में बाहर है फिर एक बार नीतीश कुमार है। जी हाँ, आखिरकार बिहार ने एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें हासिल हुई। अंतिम तौर पर घोषित नतीजों में भाजपा को 74, जदयू को 43, राजद को 75 तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटें ही मिल पाई। भाकपा माले को 12 और अन्य खाते में 8 सीटें गई है। ताज़ा चुनावी नतीजों के साथ ही एक बार फिर से एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बननी तय हो गई। बीते दिनों मतगणना के बाद नतीजे भी घोषित हुए। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को और उनकी पार्टी को एक चौंकाने वाला नतीजा मिला। उनको केवल 5 सीटें हासिल हुई। इधर चुनावी नतीजे घोषित किए जाने के क्रम में महागठबंधन का भी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा और मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत भी की। राजद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनके उम्मीदवारों की जीत के बाद भी जबरन हरा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आने हालांकि सामने आ चुके हैं। अब तक जीती हुई घोषित सीटों में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और बसपा व दूसरे दलों को 8 सीटें मिली। इस तरह से एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी। बिहार चुनाव में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन पर दोनों नेताओं ने मंगलवार को बातचीत भी की। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी को हराया। इस चुनाव में कई दिग्गज चुनाव हार गए। लालू प्रसाद यादव के संबंधी चंद्रिका राय परसा को भी चुनाव हारना पड़ा। वे जदयू के निकट पर उनकी टिकट पर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। इधर नीतीश सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए। लेकिन कमाल की बात यह रही कि एनडीए की जीत के बाद पोस्टरों से पूरा पटना पटा पड़ा था। चुनाव के जबरदस्त जीत के बाद बिहार में फिर से वापसी करने पर एनडीए नेता फूले नहीं समा रहे थे। अपने नेता नीतीश कुमार के गुणगान करने वाले पोस्टरों से उन्होंने पूरे पटना को और उनकी तमाम गलियां, चौक चौराहे, पूरी पटना को पाट दिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके नीतीश कुमार को जीत की शुभकामनाएं दी गई। इधर जदयू और महागठबंधन तथा राजद पर पोस्टर बैनर के जरिए कड़ा प्रहार भी किया गया। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार में मतों का अपहरण हुआ है। जी हां, बिहार कांग्रेस ने और सरकार पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए। बुधवार को पार्टी ऑफिस में प्रेस से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रचार अभियान समिति अध्यक्ष अखिलेश सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार के मतों का अपहरण किया गया है। जिन जगहों पर उम्मीदवार के बीच में कम वोटों का अंतर था वहीं गड़बड़ी पाई गई। फिर इन चुनावों में एक लंबा संघर्ष चला जिसके बाद नतीजे बिहार सरकार बहुमत की पार्टी के रूप में सबके सामने हैं। इस पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भाजपा को कहा कि अमर बेल, लेकिन नीतीश को चेताया। बिहार में एनडीए के शानदार जीत के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को चेताया। जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को चेताते हुए उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने एक बुधवार को ट्वीट किया जिसमें कहा कि भाजपा संग अमरबेल के समान है, जिस पेड़ से लिपट जाती है वह पेड़ ही सूख जाता है और वह खुद पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने अपने आप को और आपके साथ खूब संघर्ष किया है, आंदोलन में आपके साथ जेल भी गए,
मगर संघ की विचारधारा को छोड़कर के तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमर बेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत अपनाओ। हालांकि दिग्विजय ने आगे लिखा है कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एक मत करने की मदद करते हुए संघ की जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई या पनपाई गई फूट डालो और राज करो, इस तरह की नीति को पनपने न दें, विचार जरूर करें। इस पर अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वहीं दूसरी ओर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही निश्चय में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, नीतीश सरकार को ईमानदारी से जांच भी करानी चाहिए। इससे पहले चिराग पासवान ने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा कि बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उनसे यह साफ हो गया है कि भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह है। यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। खैर, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से, किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने अलग से बधाई दी है। अब तक के आपके सामने जो नतीजे हैं वो हमने आपको बताए हैं। इस तरह से फिर किसी वीडियो में चुनावी चर्चा पर आपसे मिलेंगे पल पल की खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।